और अभी बहुत लोग हैं तो इतना गम महसूस नहीं हो रहा, जब लोग नहीं भी होंगे इतना गम महसूस नहीं होगा क्योंकि वो इतने खुश मिजाज इंसान थे। और मे बी डेस्टिंड एंड बेटर थिंग्स विल कम आवे। गर्व से ज्यादा तो दुख है, लाइफ बहुत लंबी है हमें काटने के लिए, बट व्हाटएवर, अब अगर भगवान को यही मंजूर है तो फिर हम इसके साथ ही जिएंगे। दिस इज नॉट द वे वी वॉन्टेड हिम बैक। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे के शिकार हुए 13 में से आज 3 यानी कि जाबाज जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और उनके सुरक्षा सलाहकार LS लीडर को अंतिम विदाई दी गई। अंतिम विदाई की घड़ी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन सैनिक ही सिर्फ सैनिक नहीं होते, उनका परिवार भी सैनिक होता है। अंदर गम को समेटे, दर्द को समेटे हुए बाहर से मुस्कराता रहता है। LS लीडर को जब विदाई दी जा रही थी, पत्नी का हाल देखने लायक था। 17 साल की बेटी अंतिम विदाई दे रही थी, मुखाग्नि दे रही थी। जब मीडिया ने बातचीत करनी चाही, बातचीत भी की और मुस्कराते हुए विदाई दी। कहा कि एक सैनिक की पत्नी हूँ, इन्हें रोते हुए विदा नहीं कर सकती। जरा पत्नी की बात सुनिए। He was larger than life, everybody knows that. मतलब आप देख ही रहे हैं कितने लोग फेवल में आए। बहुत ज्यादा अच्छा पर्सोना था उनका, बहुत दोस्त थे, बहुत प्यार मांगते थे। प्रोबेबली दैट इज वाई पीपल आर ऑल्सो मॉर्निंग माई लॉस, बट वी मस्ट गिव हिम अ गुड फेयरवेल, अ स्माइलिंग सेंड ऑफ। आई एम अ सोल्जर्स वाइफ, आई हैव नथिंग मोर टू से। गर्व से ज्यादा तो दुख है, लाइफ बहुत लंबी है हमें काटने के लिए, बट व्हाटएवर, अब अगर भगवान को यही मंजूर है तो फिर हम इसके साथ ही जिएंगे। दिस इज नॉट द वे वी वॉन्टेड हिम बैक, बट इफ इट वॉज नॉट टू बी देन आई डोंट नो। इज अ वेरी गुड फादर, वेरी गुड फादर, माई चाइल्ड विल रियली मिस हिम, सो इट्स अ बिग लॉस। बस कल वापस आना है, अगले दिन आना था। सब कुछ याद आता है, बट जैसे मेरी मम्मी ने बोला कि आई एम गोइंग टू बी 17, तो 17 इयर्स वो जो हमारे साथ थे, जितनी यादें उनको साथ लेके चल रहे हैं और अच्छी यादें ही साथ लेके चलेंगे। आई एम हैप्पी ही डिडंट हैव टू सफर, इट्स अ नेशनल लॉस। माय फादर, मेरे पापा हीरो थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, और अभी बहुत लोग हैं तो इतना गम महसूस नहीं हो रहा, जब लोग नहीं भी होंगे इतना गम महसूस नहीं होगा क्योंकि वो इतने खुश मिजाज इंसान थे। और मे बी डेस्टिंड एंड बेटर थिंग्स विल कम आवे। थैंक यू। बुक भी आपने लिखी थी, उसको किस तरह से उन्होंने कहा था, किस तरह से जो पढ़ते थे आपके बीच में पढ़ाई लिखाई को लेकर? हाँ हाँ, मेरे पापा मेरे में नहीं, सब सब में जोश भरते थे और सबसे बड़े मोटिवेटर थे वो मेरे। और मुझे याद है जब मैं 5 साल की थी, मैंने पापा को देख के एक बार बोला कि आप मेरी हर बात मानते हो ना, क्योंकि वो मेरी हर बात मानते थे। एंड आई एम स्केर्ड बिकॉज आई वॉज वेरी पैम्पर्ड बाय माई फादर। ये भी बोलते थे कि मेरी बेटी और भी किताबें लिखेंगी। हाँ जी, देखते हैं। आई विश यू वाज़ देयर टू सी दिस। ये है बेटी उनकी, 17 साल महज उम्र है, पापा की लाडली, हर बात पापा मान लेते थे। अब पापा नहीं रहे, सब कुछ चला गया, इसके बावजूद ये बिटिया भी मुस्करा रही है। अंदर कितना गम और दर्द होगा, क्या एक सैनिक और सैनिक के परिवार में जो होता है उसमें दिल नहीं होता? होता है, उसे दर्द नहीं होता? होता है। लेकिन जो देश की सुरक्षा की कस्में खाई है और उनसे वायदा किया है कि यदि आप शहीद भी होंगे तो हम आंसू नहीं बहाएंगे, क्योंकि शहीदों को आंसू बहाते हुए विदा नहीं किया जाता है। ये तो यूं तो अपने धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी आत्मा की विदाई रोते हुए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो चोला बदल रहा होता है।
आत्मा अजर अमर है, वो कभी नहीं मरती है। लेकिन कितना ये कठिन है, ये माँ बेटी ने करके दिखाया, मुस्कराते हुए बात की, क्या गुजर रही होगी इनकी। वाकई में देश को और हम सब लोगों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, प्रेरणा के लायक है। इनके यदि करियर की बात करें तो 1990 में ये आर्मी में आए थे और जनवरी 2021 से सुरक्षा सहायक या सुरक्षा सलाहकार के रूप में, ब्रिगेडियर के रूप में निभा रहे थे अपनी जिम्मेदारी। इन्हें मेजर जनरल की पदोन्नति मिल चुकी थी, बस जल्दी ही संभालने वाले थे, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था, ईश्वर को कुछ और मंजूर था और वो इस दुनिया को कूच कर गए। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।